अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने Zoom ऐप जो है उसे किस तरह से डाउनलोड करना है और इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे Zoom, सर्च में आप Zoom लिखेंगे। जैसे आप Zoom लिख के स्पेस देंगे ना, तो यहाँ पर आपको सेकेंड पे ऑप्शन जैसे नज़र आ रही है Zoom क्लाउड मीटिंग। आप इस Zoom क्लाउड मीटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। चूँकि ये इस मोबाइल पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए उसने ओपन की ऑप्शन दी है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये जो ऐप है वो ओपन हो गई है। अब आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले ज्वाइन मीटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना होगा, और आपने मीटिंग आईडी जो आपको इदारा प्रोवाइड करेगा, आप इस मीटिंग आईडी को यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक मीटिंग आईडी मेंशन कर रहा हूँ, 4371327495, और नीचे आप यहाँ पर अपना नेम मेंशन करेंगे। जैसे मैं अपना यहाँ पर नाम मेंशन कर रहा हूँ, उसके बाद आप करेंगे ज्वाइन मीटिंग। जैसे ही आप ज्वाइन मीटिंग करेंगे वो आपसे एक पासवर्ड डिमांड कर रहा है। यहाँ पर जो पासवर्ड है वो है 1। मैंने पासवर्ड रखा हुआ है, ये पासवर्ड भी आपको आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। जैसे ही आप 1 पासवर्ड लगाएंगे तो आपको एक ऑप्शन आ गई है कि वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट दिस मीटिंग। होस्ट यहाँ पर आपका टीचर है। अब जब तक आपका टीचर इसको स्टार्ट नहीं करेगा क्लास को, तब तक आपको यही स्क्रीन शो होगी। अब जैसे ही आपका टीचर इसको स्टार्ट कर लेता है और वो जब स्क्रीन को शेयर करेंगे, आपको अब क्लास स्टार्ट हो चुकी हुई है, मगर टीचर ने अभी तक आपको क्लास में अलाउ नहीं किया, इसलिए आपको ये मैसेज आ गया है, प्लीज़ वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून। तो उसके लिए जैसे ही आपको टीचर क्लास में अलाउ करेगा तो आपके पास मोबाइल पर ये एक कनेक्टिंग की ऑप्शन आएगी, एंड देन आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई है जो टीचर ने वहाँ पर शेयर की हुई है। अब इसमें आपको आवाज़ तब तक नहीं आएगी जब तक आप साइड पर ये जो ज्वाइन ऑडियो है इसको आप क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन ऑडियो को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आवाज़ आपको आना शुरू हो जाएगी। जो भी टीचर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है वो आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। अब अगर आपको टीचर से बात करनी है तो आप मोर की ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर रेज हैंड की ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे अगर आपको कोई भी इशू आता है। जैसे ही आपको टीचर रेज हैंड जब आप करेंगे तो टीचर को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आप उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, और टीचर आपको अलाउ करेगा कि आस्क टू अनम्यूट। तो जैसे ही आप अनम्यूट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा डेमो था ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि आपने Zoom ऐप जो है उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। जी बच्चे, आपने Zoom ऐप इस तरह से यूज़ करना है। जैसे आप अपने टीचर से बात फिनिश कर लेते हैं तो आपने अपने यहाँ पर माइक को दोबारा से प्रेस करना है ताकि वो अनम्यूट हो जाए, और आपकी कोई भी बात जो है या कोई भी आपकी बात जो है वो टीचर्स तक या दूसरों तक ना जा सके। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डेमो था इस Zoom ऐप को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को समझना है, अगर कोई इशू आता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।